नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज साहू। सामर्थ्य एकेडमी के इस YouTube मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस कड़ी में मैं ISFR 2019 की रिपोर्ट पर आधारित बुलेट पॉइंट सीरीज़ की यह कड़ी लेकर आया हूं। दोस्तों यह रिपोर्ट सिर्फ ACF के एग्ज़ाम्स के लिए ही बस इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नेशनल लेवल का जो एग्ज़ाम होगा या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, ISFR का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो वो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। ISFR का पूर्ण स्वरूप है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट प्रत्येक दो वर्ष में FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। FSI का मुख्यालय देहरादून में है तथा यह संस्था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। ISFR की प्रथम रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी और IFSR 2019 की रिपोर्ट 16वें क्रम की है। अब 1987 से जब यह प्रकाशित हो रही है, तब से अगर हर दो साल में देखा जाए तो 2019 की जो रिपोर्ट है वो 17वें क्रम की होनी थी, बट 16वें क्रम की है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 2007 में यह प्रकाशित नहीं हुई थी। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, इस रिपोर्ट को भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 की मदद से LISS-3 तकनीक द्वारा तैयार किया गया है। मतलब ये रिपोर्ट जो है वो सैटेलाइट से जो आंकड़े मिले हैं उनके आधार पर बनाया गया है ये रिपोर्ट। और उसमें भी कौन सी टेक्निक है? LISS-3, ये टेक्निक यूज़ की गई है। तो LISS का पूर्ण स्वरूप क्या है? लीनियर इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1952 में वन नीति लाई गई थी। 1988 की वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया था। 33% का लक्ष्य रखा गया था 1988 की वन नीति में। और अभी तक आज 2020 चल रहा है और अभी भी हमारा जो ये लक्ष्य है ये हमने प्राप्त नहीं किया। अभी भी हम 1/4 के बराबर ही हमारे पास वन क्षेत्रफल हमारे पास है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 हेक्टेयर या अधिक का वृक्ष आच्छादित भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों की कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, उसे वन आवरण फॉरेस्ट कवर में शामिल किया जाता है। तो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट और कुल वन क्षेत्र है ना, तो इस टाइप की अलग अलग इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं। तो उसमें से जो वन आवरण है फॉरेस्ट कवर वो क्या होता है? तो 1 हेक्टेयर या अधिक का वृक्ष आच्छादित भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों की कैनोपी घनत्व 10% से अधिक हो, उसे ही हम वन आवरण में शामिल करेंगे। यदि 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो उसे हम वन आवरण में शामिल नहीं करेंगे। और यदि कैनोपी डेंसिटी 10% से कम है, चाहे वो कितना हेक्टेयर हो, अगर वो 10% से कम कैनोपी घनत्व है तो उसे भी हम वन आवरण में शामिल नहीं करेंगे। तो वन आवरण में शामिल करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? कि 1 हेक्टेयर कम से कम हो या उससे अधिक भी चलेगा, और ऐसे एरिया में कम से कम 10% कैनोपी डेंसिटी होनी ही चाहिए, तब उसे हम वन आवरण के आंकड़े के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों को RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। इसके अंतर्गत वन अधिनियम 1927 के तहत गठित सभी वन क्षेत्र आते हैं। तो RFA के बारे में भी आपको बता दिया गया। तो RFA एक रजिस्टर होती है जो राज्य सरकारें तैयार करती हैं, और इसमें जो रिकॉर्डेड भौगोलिक क्षेत्र होते हैं वो फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतया वनावरण का आंकड़ा आरएफए के आंकड़े से अधिक होता है। जिन वनों में वृक्षों की कैनोपी डेंसिटी 70% से अधिक होती है, उसे सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, VDF, इसे शॉर्ट में VDF कहा जाता है। 40-70% जहां वृक्ष घनत्व होता है, उसे हम MDF कहते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। और 10-40% जहाँ वृक्ष घनत्व होता है, उसे हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। तो जो फॉरेस्ट है उसे उसकी कैटेगराइजेशन इस तरह से होती है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो ये क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर वृक्ष घनत्व जो है ना वो 70% है या 70% से ज़्यादा है तो उसे हम VDF कहेंगे, 40-70% है तो MDF कहेंगे, और 10-40% है तो उसे ओपन फॉरेस्ट कहा जाएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.02% VDF है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, 9.39% MDF है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, और 9.26% ओपन फॉरेस्ट है।
यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो है 9.39% MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का एरिया है छत्तीसगढ़ में, माफ़ कीजिएगा भारत में, तथा 1.41 झाड़ी क्षेत्र हैं, 1.41% झाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता है श्रब क्षेत्र। उसके बाद है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र जिसके अंतर्गत वन आवरण तथा वृक्ष आवरण को शामिल किया जाता है 24.56% है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कुल वन क्षेत्र, ये अपने आप में एक शब्द है कुल वन क्षेत्र, तो कुल वन क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, वन क्षेत्र, वन आवरण भी सम्मिलित होता है और वृक्षावरण, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। वन आवरण की परिभाषा आपको पता है, वृक्षावरण की परिभाषा आपने पढ़ा होगा या फिर आगे आपको किसी न किसी वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। तो वन आवरण और वृक्षावरण इन दोनों को ही शामिल करके जो आंकड़ा बनता है उसे हम कुल वन क्षेत्र कहते हैं। तो भारत में 2019 की इस रिपोर्ट में कुल वृक्ष आवरण कितना है, 24.56%। ISFR 2017 के अनुसार कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत 24.39% था, मतलब अभी बढ़ोतरी हो गई है। इस प्रकार भारत में कुल वन क्षेत्र 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग कम से कम ये याद रखिए कि अभी वर्तमान में इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र कितना है हमारे पास, 24.56%। पिछले साल की रिपोर्ट, पिछले लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में बढ़ोतरी हुई है, बहुत कम हुई है बट ठीक है, इतना काफ़ी है। कुल वन क्षेत्र अभी इसमें वर्ग किलोमीटर में देखें तो 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुल वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल केवल वन आवरण क्षेत्र कितना है, 21.67%, तथा केवल वृक्ष आवरण क्षेत्र है 2.89%। इस रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तथा वृक्ष आवरण में 1,212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 2017 की रिपोर्ट की तुलना में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर वन आवरण में 0.05% अर्थात 330 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है, जबकि RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर वन आवरण में 4,306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब हो रहा है कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो राज्य सरकारें बनाती हैं उसके तहत जो भी वो आज उसमें रजिस्टर किए जा रहे हैं आंकड़े, उसके अंतर्गत जितने जंगल आ रहे हैं, जितने फॉरेस्ट एरिया आ रहा है, उसमें 330 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है 2017 की तुलना में। और जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो जितने वन हैं वहाँ वन आवरण में 4,306 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.05% वन क्षेत्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों के वन आवरण में 765 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.45% की कमी दर्ज की गई है। असम और त्रिपुरा को छोड़कर देश के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में वन आवरण में कमी पाई गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, जो नॉर्थ ईस्ट हमारे राज्य हैं वहाँ के लगभग 2/3 हिस्सा, 65.05% पूरा वन क्षेत्र है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा कि वहाँ पर पिछली रिपोर्ट की तुलना में कमी पाई गई है वन क्षेत्र में, 765 वर्ग किलोमीटर की कमी पाई गई है। उसके बाद असम और त्रिपुरा राज्य बस को छोड़ करके बाकी सारे राज्य जो हैं, सेवन सिस्टर्स और सिक्किम को भी शायद लिया गया होगा इसमें, तो असम और त्रिपुरा को छोड़ करके बाकी सभी राज्यों में वन क्षेत्र में कमी पाई गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत में लगभग 62,466 आर्द्र भूमियां हैं, 62,466 भारत में लगभग 62,466 आर्द्र भूमियां हैं। आर्द्र भूमि अर्थात वेटलैंड्स दो इकोसिस्टम के मिलन क्षेत्र को कहते हैं। 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुए सम्मेलन के तहत भारत में कुल 37 रामसर साइट्स हैं। इन 37 रामसर साइट्स में से 10 रामसर साइट्स अभी वर्तमान में जो 2020 में हाल ही में जोड़े गए हैं, इससे पूर्व रामसर साइट्स की संख्या भारत में 27 थी। सर्वाधिक रामसर साइट्स ब्रिटेन में हैं। देश में वनावरण के मामले में अग्रणी राज्यों का क्रम जो है वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो टॉप थ्री में छत्तीसगढ़ भी है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण है 77,482 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 66,688 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र का नंबर है। तो इसे मध्य प्रदेश और अरुणाचल और छत्तीसगढ़ का ऐसा याद रख लेंगे कि 77,000, 66,000 और 55,000, कम से कम ऐसा तो याद रखिए ही।
और छत्तीसगढ़ का तो याद ही रख लीजिए 55,611 वर्ग किलोमीटर थर्ड नंबर पर है। वनावरण प्रतिशत के मामले में अग्रणी राज्यों का क्रम है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर ही है प्रतिशत वाले में भी, और फर्स्ट है प्रतिशत के मामले में मिजोरम 85.41%। यहाँ थोड़ा देखेंगे कि यूटीज़ को छोड़ दिया जाए अगर यूनियन टेरिटरीज़ को, तो सिर्फ राज्यों के राज्यों को अगर लिया जाए तो 80% से ज़्यादा में केवल मिज़ोरम ही है 85.41%, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 79.63% और मेघालय है 76.33%। उसके बाद मणिपुर एवं नागालैंड का क्रम है। इस रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कर्नाटक है। देखिए वनावरण में सबसे ज़्यादा वनावरण एमपी में है, लेकिन सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है, दक्षिण का राज्य है, जहां वनावरण में पिछले रिपोर्ट की तुलना में 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से इमेजिनेशन अपना रखिए कि जो परसेंटेज वाइज है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनमें से एक है, और क्षेत्रफल में देखा जाए वनावरण तो मध्य प्रदेश ही है हमारा, और वृद्धि देखा जाए अगर वनावरण में वृद्धि तो हमारे साउथ का स्टेट है जैसे कि कर्नाटक, इसमें फर्स्ट पर है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वनावरण में कमी वाले शीर्ष तीन राज्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से ही हैं। वनावरण में सर्वाधिक कमी मणिपुर राज्य में 499 वर्ग किलोमीटर की हुई है। मणिपुर में सर्वाधिक कमी हुई है वनावरण में, याद रखेंगे, वो भी लगभग 500 वर्ग किलोमीटर की। इस क्रम में आगे अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम हैं। तो कमी कहाँ कहाँ हुई है, सर्वाधिक मणिपुर में, फिर अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट सर्वाधिक तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो उच्च लवणता वाले जल में, ऑक्सीजन की कमी वाले जल में तथा ज्वारीय परिस्थितियों जैसे बहुत कठिन परिस्थितियों में भी उग जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति में न्यूमेटोफोर्स ऐसे एरियल रूट्स होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इनमें CO2 तथा O2 का आदान प्रदान होता है। मैंग्रोव वन समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। यह कार्बन सिंक की तरह कार्य करते हैं तथा सुनामी, तूफान, मिट्टी के कटाव, समुद्री जल प्रदूषण को कम करते हैं। इनकी उपस्थिति मुख्यतः ट्रॉपिकल एवं सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होती है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,975 वर्ग किलोमीटर है, 4,975 वर्ग किलोमीटर, लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर का देश में मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। देश के मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में 55 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है 2017 की रिपोर्ट के किससे तुलना में 55 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि प्रतिशत में 1.10% है। सर्वाधिक वृद्धि गुजरात राज्य में 37 वर्ग किलोमीटर की हुई है, उसके बाद महाराष्ट्र एवं उड़ीसा में क्रमशः 16 वर्ग किलोमीटर एवं 8 वर्ग किलोमीटर की हुई है। देखिए मैंग्रोव वन का जो सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाए तो सुंदरबन में है, मतलब कि वेस्ट बंगाल क्षेत्र में लगभग 42% के आसपास, लेकिन वृद्धि जो हुई है वो गुजरात राज्य में जो मैंग्रोव वन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 37 वर्ग किलोमीटर की मैंग्रोव वन की वृद्धि हुई है, और इसमें सुंदरबन तो है ही नहीं वृद्धि में, शुरुआत के तीन में ही गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उड़ीसा है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। मैंग्रोव आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 42.45%, तत्पश्चात गुजरात एवं अंडमान निकोबार का नंबर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हैं। सर्वाधिक वृक्ष आवरण, देखिए ये वृक्ष आवरण की बात कर रहा है, वन आवरण की बात नहीं कर रहा है, वृक्ष आवरण मतलब ट्री कवर की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक वृक्ष आवरण वाले राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान हैं। देखिए वृक्ष आवरण को ऐसे समझिए दोस्तों कि जो वन क्षेत्र जैसे वन आवरण है, वन आवरण के लिए क्या क्राइटेरिया है कि 10% कैनोपी डेंसिटी होनी चाहिए, वो भी 1 हेक्टेयर या उससे अधिक के क्षेत्रफल में। अब जैसे हमारे सिटी एरिया में देख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा ऊपर से देखेंगे तो वो काफ़ी हरा भरा वृक्षाच्छादित लगेगा, लेकिन वो वन के क्षेत्र में नहीं आते। तो वन के क्षेत्र में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे, तो वो ट्री कवर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो 1 हेक्टेयर से कम का एरिया होगा, या तो फिर जो ट्री डेंसिटी है, जो कैनोपी डेंसिटी है, वो 10% से कम होगी। तो इस तरह से इसे समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक वृक्ष आवरण प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः चंडीगढ़, दिल्ली, केरल, गोवा हैं। मतलब यहाँ पर वृक्ष आवरण प्रतिशत की बात कर रहा है। ऊपर जो हमने डिस्कस किया वो महाराष्ट्र जो है वो वृक्ष आवरण क्षेत्रफल में सर्वाधिक है वहाँ।
और वृक्ष आवरण प्रतिशत के मामले में चंडीगढ़ जो कि यूटी है, दिल्ली वो भी यूटी है, केरल जो कि स्टेट है, गोवा भी स्टेट है, तो अगर वृक्ष आवरण प्रतिशत में सबसे आगे स्टेट बोला जाएगा तो केरल होगा, और अगर यूटी और स्टेट दोनों एक साथ लिया जाएगा तो चंडीगढ़ होगा, और सिर्फ यूटी लिया जाएगा तो भी चंडीगढ़ आगे होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, चैंपियन एवं सेंट ने भारतीय वनों को 16 मुख्य वर्गों में एवं 221 उपवर्गों में बांटा है। वृक्ष वर्ग में सर्वाधिक प्रजाति विविधता वाला राज्य कर्नाटक है। ठीक है, वृक्ष सिर्फ वृक्षों की बात करें, अगर हम झाड़ियों की बात ना करें, हम साग सब्जियों की बात ना करें, हम हर्ब्स की बात ना करें, सिर्फ वृक्ष वर्ग की बात करें तो वृक्ष वर्ग में सर्वाधिक विविधता वाला, विविधता जहाँ ज़्यादा नए अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा राज्य है? कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक प्रजाति विविधता मिलती है वृक्षों की। झाड़ी वर्ग में अधिकतम प्रजाति विविधता वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और शाक एवं जड़ी बूटी वर्ग में अधिकतम प्रजाति विविधता वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे, कर्नाटक है वृक्ष वर्ग में, अरुणाचल प्रदेश है झाड़ी वर्ग में, झाड़ी वर्ग मतलब जिनकी हाइट जो होती है मैक्सिमम 6 मीटर से 6 मीटर के आसपास ही जाती है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाते, तथा शाक एवं जड़ी बूटी वर्ग में अधिकतम प्रजाति विविधता वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। सभी पादप प्रजाति के संदर्भ में सर्वाधिक पादप प्रजाति समृद्ध राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक है। मतलब ये तीनों को अगर एक साथ कंबाइन करके देखा जाए, वृक्ष वर्ग, झाड़ी वर्ग, शाक एवं जड़ी बूटी वर्ग, तो इसमें जो सबसे आगे समृद्ध विविधता वाला, प्रजाति विविधता वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, और फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। तो पहले नंबर पर कौन है ये याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश। देश में कुल बांस क्षेत्रफल 160,037 वर्ग किलोमीटर है। बांस क्षेत्रफल, इसे तो बिल्कुल याद रखें दोस्तों, क्योंकि बांस छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में भी बांस का इंपॉर्टेंट रोल है, और बांस को हाल ही में वृक्ष श्रेणी से अलग किया गया है, तो इससे रिलेटेड डाटा जो है वो थोड़ा याद रखेंगे। देश में कुल बांस क्षेत्रफल 160,037 वर्ग किलोमीटर है। 2017 की तुलना में 3,229 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं अरुणाचल प्रदेश हैं। सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वनावरण के मामले में भी आगे है और सर्वाधिक बांस क्षेत्रफल के मामले में भी आगे हैं। शुद्ध बांस की सर्वाधिक उपस्थिति क्रमशः महाराष्ट्र, MP एवं छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नाम आ चुका है, इसलिए इसे बिल्कुल याद रखेंगे कि शुद्ध बांस की सर्वाधिक उपस्थिति के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा बांस आवरण है MP में, लेकिन शुद्ध किस्म की जो उपस्थिति है बांसों की, उसके मामले में MP दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग के संदर्भ में विभिन्न राज्यों के वन आवरण को अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र, एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया, अति उच्च अग्निप्रवण क्षेत्र, वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया, उच्च अग्निप्रवण क्षेत्र, हाईली फायर प्रोन एरिया, तथा मध्यम अग्निप्रवण क्षेत्र, मीडियम फायर प्रोन एरिया में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जंगल में लगने वाली आग की जो संभावना होती है, जो भी उनके कारण होते हैं, जो भी वहाँ पर परिस्थितियाँ बनती हैं, उस आधार पर जो है इन 4-5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये इस इन सभी क्राइटेरिया में जो राज्य हैं क्रम में, उसके बारे में बताया गया है। इस प्रकार अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र, अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र जो फर्स्ट वाला था, में मिजोरम प्रथम स्थान पर है, और अति उच्च अग्निप्रवण क्षेत्र में मिजोरम प्रथम स्थान पर। मतलब दोनों ही क्राइटेरिया में, शुरू के जो एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया है और वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया जो है, इन दोनों में ही मिजोरम पहले स्थान पर है। उच्च अग्निप्रवण क्षेत्र में नागालैंड प्रथम स्थान पर है, तथा मध्यम अग्निप्रवण क्षेत्र में पंजाब प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्य क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी आ गया, तो तीसरे नंबर पर, सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले राज्यों में थर्ड नंबर पर आता है, सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, वनों से उत्पादित बांस पर निर्भरता के मामले में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। तो वनों से उत्पादित बांस वन के अलावा भी उत्पादित किया जाता है, लेकिन सिर्फ वन से ही जो हमें बांस प्राप्त हो रहे हैं, उस पर निर्भरता के मामले में देखा जाए तो MP के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में वैसे तो और भी बहुत से आंकड़े हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, मैंने उन्हें शामिल कर लिया है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, इतना मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। अब बारी है मेरे प्रश्नों की, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोगों को उत्तर देने हैं। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर दें। यदि आपके द्वारा दिए गए उत्तरों की संख्या कम है तो कुछ समय निकालकर इस वीडियो को दोबारा देखें और मेरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें।
तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्रश्नोत्तरी खंड। तो मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। दूसरा प्रश्न है, ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत MDF मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वन आवरण के अंतर्गत कितने भू क्षेत्र में कैनोपी डेंसिटी न्यूनतम कितना होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पिछली रिपोर्ट की तुलना में 2019 की रिपोर्ट में RFA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के भीतर वन आवरण में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। अगला प्रश्न है, वन आवरण में कमी वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। अगला प्रश्न है, शुद्ध बांस की सर्वाधिक उपस्थिति किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, सभी पादप प्रजाति विविधता के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। अगला प्रश्न है, अत्यंत अग्निप्रवण क्षेत्र वर्ग में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। और अंतिम प्रश्न है, कार्बन स्टॉक के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है। कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स पर आप अपने उत्तर लिख सकें। हमारा यह प्रयास यदि आप लोगों के लिए लाभदायक हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे, और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए सामर्थ्य के साथ।